पंचायत विभाग के टेकाड़ी उपविभाग अंतर्गत आने वाले बोर्डा रोड से गहुहिवरा रोड तक फोरवे को लगकर जाने वाले कैनल जो करीब 4 किलोमीटर का लाइनिंग का सीमेंट कंक्रीट का काम चालू है। इसमें सीमेंट की जगह बड़े पैमाने पर कोयले की राख का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी के आशीर्वाद से ठेकेदार जनता के टैक्स के पैसों से बनने वाले कैनल के काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। हर साल कैनल के काम बराबर किए जाते हैं और फिर से साल भर में ही खराब हो जाते हैं। जनता की गाड़ी कमाई के पैसे टैक्स के रूप में जमा करके इन विकास के कामों में लगाए जाते हैं। इन कामों का किसानों को तो इसका फायदा कम ही मिलता दिखता है, परंतु ठेकेदार और अधिकारी ऐसे भ्रष्ट काम करके शासन प्रशासन और जनता को लूट रहे। एक तरफ खेती किसानी व फसलों के बेहाल है और दूसरी तरफ खाद के भाव बढ़ रहे, कीटनाशक बीज के भाव, डीजल पेट्रोल के भाव भी दिन ब दिन बढ़ रहे और किसानों के नाम पर ठेकेदारों और अधिकारी जनता के टैक्स के पैसों से ऐसे भ्रष्ट काम करके लूटमार कर रहे हैं। महाविदर्भ किसान संगठन के किसान नेता संजय सत्यकार, इन्होंने सरकार से व इस विभाग के मंत्री बच्चू कड़ू से इस प्रकरण में ध्यान देकर इस काम की जांच करके ठेकेदार और अधिकारियों पर कड़क कार्रवाई करने की मांग की है। कॅनलचं लाईनिंगचं काम सुरू आहे बोर्डा रोड ते गहुहिवरा रोड। या 7 किलोमीटरच्या कामामध्ये नियमाला डावडून सिमेंट काँक्रीटच्या कामामध्ये कोळशाची राखड वापरून हे काम केलं जात आहे। असं काम जर होत असेल तर अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादशिवाय ठेकेदार कसं हे काम करतात हा प्रश्न पडून राहिला। आज सरकारच्या तिजोरीमध्ये हे लूटमार सुरू आहे। जनतेच्या टॅक्सच्या पैशामधून लोकांच्या ह्या पैशाला सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी ठेकेदाराला सोबत मिळून कशा प्रकारे लूटमार करतात हा याचं उदाहरण आहे। आमचं या प्रकरणाची खोलवर चौकशी होऊन या अधिकारी आणि ठेकेदारावर कडक कारवाई व्हायला पाहिजे असं या आपल्या या माध्यमातून आमचं म्हणणं आहे। VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।